तो आज हम मैनिपुलेशन पे काम कर रहे हैं। तो कोरल ड्रॉ के अंदर मैनिपुलेशन किस तरीके से किया जाता है, जैसे हम सबसे पहले लेते हैं रिपीटेशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रिपीटेशन ऑब्जेक्ट के लिए हमने जैसे के लिए एक ऑब्जेक्ट को लिया, यहाँ पे ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ कॉपी किया। तो अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को मल्टीपल कॉपीज़ करना है, एक तो कॉपी पेस्ट कमांड के थ्रू कर सकते हैं, एक तरीका और भी है जिसके अंदर हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और आगे की तरफ मूव करते हैं। अभी मैंने लेफ्ट क्लिक प्रेस कर रखा है, तो लेफ्ट क्लिक से अगर मैं इसको ले जा, अगर शिफ्ट दबा रखा है तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव कर रहा है, और विदाउट शिफ्ट आप करेंगे तो वो स्ट्रेट मूव नहीं करेगा। जैसे मैंने शिफ्ट दबाया देन स्ट्रेट मूव कर रहा है, मैंने लेफ्ट क्लिक प्रेस कर रखा है, अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव होगा। लेकिन अगर मैं यही तरीका अप्लाई वापस से करता हूँ और मैं आगे की तरफ मूव करते हुए लेफ्ट के साथ में राइट क्लिक पे क्लिक करूँगा एंड देन दोनों को एक साथ छोड़ूंगा, तो वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ कॉपी हो जाता है। देन मैं इसको नेक्स्ट अप्लाई करूँगा कमांड एडिट डुप्लीकेट कमांड। डुप्लीकेट कमांड का शॉर्टकट है कंट्रोल टी। तो जितना आपने ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ मूव किया है उतना ही वो आगे की तरफ नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए कॉपी करेगा। एंड देन मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, जब तक कि आप बाहर क्लिक नहीं कर देते हैं वो आप उसको उतने ही डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। तो ये आप हॉरिजॉन्टली ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं रिपीटेशन फॉर्म में। ऐसे ही मुझे नीचे की तरफ करना है तो वही आपने शिफ्ट दबा के यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस किया एंड देन कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से अगर आप करेंगे तो ये रिपीटेड फॉर्म में वर्टिकली भी कॉपी हो जाएगा। ऐसे ही मुझे डायगनली करना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया मुझे डायगनली इस तरफ करना है, तो वही आप कंट्रोल डी कमांड से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ राइट क्लिक किया, यहाँ आके मैंने इसको छोड़ा, जितना डिस्टेंस मैंने यहाँ मेंटेन किया है देन वो उसी डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए उसको अप्लाई करेगा। तो आप ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगनली तीनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट कमांड को भी यूज़ कर सकते हैं और डुप्लीकेट कमांड को भी अप्लाई कर सकते हैं। मैनिपुलेशन पे हम जाते हैं, वो है रोटेशन ऑप्शन। तो रोटेशन के लिए हमने वही ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिया। अब रोटेशन करने के लिए आप यहाँ आप देख रहे हैं चारों तरफ पॉइंट्स बने हुए आ रहे हैं, अगर आपको इसको रोटेट करना है तो आप डबल क्लिक करेंगे तो आप रोटेशन भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एंगल देना चाहो तो एंगल दे सकते हो, जैसे 45 दिया तो 45 डिग्री पे आप कर सकते हो, 90 डिग्री पे कर सकते हो। तो अगर मुझे इसको कॉपी करना है देन मैंने इस पर क्लिक किया कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, और मैं यहाँ पर अगर एंगल डालूंगा, जैसे मैंने 45 दिया तो दूसरा ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव हो गया। अभी मैंने ये 45 डिग्री का एंगल दिया है या 90 डिग्री का एंगल दिया है, ऑब्जेक्ट उसी के ऊपर घूम रहा है क्योंकि इसका जो सेंटर पॉइंट है वो इस पोजीशन पे है। अगर आप इसका सेंटर पॉइंट चेंज कर दोगे तो सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट को रोटेट करेगा। तो उसके लिए आपने अप्लाई किया वापस से, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया, अभी सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, मैंने इस सेंटर पॉइंट को ला के रख दिया इसके कॉर्नर पर। तो अब ऑब्जेक्ट क्या है, अभी आप देखेंगे ऑब्जेक्ट विदाउट, जब सेंटर पॉइंट वहाँ था तो ऑब्जेक्ट इस तरीके से टर्न कर रहा है, लेकिन जब सेंटर पॉइंट यहाँ की जगह अगर हम इस कॉर्नर पे ले आएंगे तो ऑब्जेक्ट अब इस तरीके से टर्न करेगा। तो अब मैं वापस से कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, मैंने कंट्रोल वी किया कॉपी एंड पेस्ट, मैंने एंगल डाला यहाँ पे 90 डिग्री का, देन अगेन मैंने पेस्ट किया, अब की बार मैंने दे दिया 180, और अगेन मैंने पेस्ट किया, अब की बार मैंने दे दिया 270। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को रिपीटेशन फॉर्म में कर सकते हो। इसी तरीके से जैसे मुझे ज़्यादा चाहिए, मान लीजिए 8 ऑब्जेक्ट चाहिए और डिज़ाइन थोड़ा चेंज करना है, मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया और रोटेशन डायरेक्शन मैंने कुछ इस पोजीशन पे दे दिया। सबसे पहले तो मैं इसको 0 पे रख लेता हूँ वापस से, यहाँ पे मैंने 0 किया, ये इसकी 0 पोजीशन है। अगर मुझे 8 पार्ट में डिवाइड करना है तो 360 डिवाइड बाई 8 मतलब 45 डिग्री का आपका एंगल होगा एक। तो मैंने इसको कॉपी किया एंड देन पेस्ट, 45 डिग्री लिया एंड देन अगेन फिर पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया आपने 90 डिग्री एंड देन अगेन पेस्ट 135 कंट्रोल वी, 180 कंट्रोल वी, 225 कंट्रोल वी, 270 कंट्रोल वी, 315। इस तरीके से आप रोटेट कमांड के थ्रू ऑब्जेक्ट को रोटेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हो। अगर डिज़ाइन मैनिपुलेशन करना है रोटेशन का तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट को अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है क्लोज ऑब्जेक्ट, उस क्लोज ऑब्जेक्ट के चारों तरफ अगर मुझे
इसी डिज़ाइन का मैनिपुलेशन करना हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे लेके आया इस ऑब्जेक्ट को, मैंने इसको यहाँ रखा और 6 टाइम मुझे इसको रिपीट करना है। सबसे पहले तो आपको इसका सेंटर पॉइंट उठा के इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पे रखना पड़ेगा। देन कॉपी किया इसको, वापस 0 पोजीशन पे लेके आते हैं हम, कॉपी किया एंड देन 60, कंट्रोल कंट्रोल वी किया एंड देन 60 डिग्री पे लेके आए आप। देन अगेन फिर 120 पे, फिर आपने ऑब्जेक्ट को क्लिक किया 180 पे एंड देन कंट्रोल वी किया 240 पे, तो इस तरीके। देन फिर अगेन एक और दिया 60 डिग्री 300 पे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक क्लोज ऑब्जेक्ट के चारों तरफ भी अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को रोटेशन पाथ करना हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं रोटेशन के बाद में डिज़ाइन मैनिपुलेशन ओवरलैपिंग पे। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट को ओवरलैपिंग करना हो, तो सबसे पहले मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे अगर आप देखेंगे तो इस फॉर्म में हैं। अब जैसे मुझे ये ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट को मुझे ओवरलैपिंग करना है मल्टीपल कॉपीज़ के अंदर, तो मैं ओवरलैपिंग कर सकता हूँ। ओवरलैपिंग के लिए हम इसके अंदर कलर फिल करते हैं, तो कलर फिल करने के लिए आपके पास साइड में कलर ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आपको जो भी कलर आपको यहाँ पे चाहिए आप ले सकते हैं। अब मैं इसको रिपीटेड फॉर्म में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ओवरलैप करता हूँ, तो मैंने शिफ्ट दबाया। शिफ्ट दबा के जैसे मैंने मान लीजिए इसको यहाँ पे लाके राइट क्लिक कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ओवरलैप हो गया। आप कम या ज़्यादा जितना भी आपको ओवरलैप करना है ओवरलैप कर सकते हैं। जैसे ये मैंने लिया, देन मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया, तो ये आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टली ओवरलैपिंग अगर आपको करनी है तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको वर्टिकली करनी है, जैसे मेरा ये ऑब्जेक्ट है, मुझे क्लिक करके राइट क्लिक को अप्लाई किया, कॉपी करके पेस्ट किया ऑब्जेक्ट को एंड देन कंट्रोल डी, तो ये आप वर्टिकली भी उसको ओवरलैप कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपको डायगनली करना है तो वही तरीका, ये आप लेंगे ऑब्जेक्ट को एंड देन लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, देन कंट्रोल डी करके आप जिस भी डायरेक्शन में आप चाहते हैं, मान लीजिए आपको डायरेक्शन ये नहीं आपको ये चाहिए, तो आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, तो इस तरीके से भी आप ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो ये था आपका रोटेशन एंड ओवरलैपिंग। नेक्स्ट जो है वो है आपका मिररिंग। तो डिज़ाइन मैनिपुलेशन में एक और ऑप्शन होता है, वो होता है मिररिंग। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको मिरर करना हो तो वो आप कोरल में किस तरीके से करेंगे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ये अभी आपको इस डायरेक्शन में दिख रहा है, इसको अगर आपको मिरर अपोजिट डायरेक्शन में इसको अप्लाई करना है, तो आप इस ऑब्जेक्ट को ही कॉपी करके यहाँ ला सकते हैं। और ऊपर देखिए टॉप में यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है मिरर हॉरिजॉन्टली, तो आप इसको हॉरिजॉन्टली मिरर करके भी अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको इसको लगाना है आप इसको पकड़ के मूव कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ये मिरर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही अगर मुझे इसी मिरर ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ मिरर करना है, देन कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैं नीचे की तरफ लेके आया, मैं नीचे की तरफ लेके आया एंड देन इसको मिरर कर दिया। ऐसे ही मैं अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखूँ और इसी का मुझे ऑब्जेक्ट इस तरफ चाहिए और मैंने मिरर किया, तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट को मिरर कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मिरर करने के लिए और वर्टिकल मिरर करने के लिए आपके पास ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, तो इस तरीके से आप मिररिंग यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट कोरल में किस तरीके से अप्लाई होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये इसका ओरिजिनल साइज है, ठीक है, तो ये मेरा ओरिजिनल साइज है ऑब्जेक्ट का। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये ओरिजिनल साइज के ऑब्जेक्ट का साइज क्या आ रहा है, 18.256 बाई 18.256, यहाँ परसेंटेज कितना आ रहा है, 80% 100% एंड 100%, ठीक है। अब मुझे इसको 10% बढ़ाना है, इसको यहाँ पे रिपीट किया +10% +10 एंड +10 एंड +10। तो अगर मुझे इसको +10 करना है, देन मैंने यहाँ पे इसको मैंने लॉक लगाया 110 110, इसको मैंने कर दी 120, इसको मैंने कर दिया 130 और इसको मैंने कर दिया 140। तो अगर आपको इनलार्जमेंट करना है तो आप डायरेक्टली इसके थ्रू इनलार्जमेंट कर सकते हो ओरिजिनल साइज के साथ में। देन इनलार्जमेंट के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है रिडक्शन। तो
तो रिडक्शन के लिए भी हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, रिडक्शन के लिए भी हमने हार्डशेप को अप्लाई किया, तो मैंने हार्डशेप यहाँ पे लिया और एक हार्डशेप को यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब इसी को मुझे वही -10% पे अगेन, फिर -10, फिर -10 और फिर -10 पे अप्लाई करना है। तो हम डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। आपने इस पे 90% कर दिया, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और इसको 90 कर दिया, इसको 80 कर दिया, इसको 70 कर दिया, एंड देन इसको आप डायरेक्टली 60% पे ला सकते हैं। तो अगर आपको रिडक्शन करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का कोरल के अंदर, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे परसेंटेज के थ्रू भी कर सकते हैं और डायमेंशन के थ्रू भी कर सकते हैं। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो जैसे ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कुछ और ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो अगर आप देखेंगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट आप देखेंगे, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो तो आपका हो गया पॉजिटिव एरिया, ठीक है। जो हमने इस पे से बीच पे से पार्ट कट किया है वो आपका है नेगेटिव एरिया, और ये आपके उसी नेगेटिव एरिया को निकाल के अपन ने जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, तो ये कटआउट फॉर्म है जिसके थ्रू नेगेटिव ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। अब स्ट्रेचिंग, तो जैसे ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैं इसको इस तरफ भी स्ट्रेच कर सकता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को इस तरह भी स्ट्रेच कर सकता हूँ नीचे की तरफ या आगे की तरफ, तो ये मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ वाई एक्सेस के अंदर भी। और अगर मुझे इसको एक्स एक्सेस में स्ट्रेच करना है, तो मैं एक्स एक्सेस में स्ट्रेच करने के लिए इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, तो इस तरीके से मुझे और ज़्यादा स्ट्रेच करना है तो मैं ज़्यादा स्ट्रेच भी इसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये हो गया वाई एक्सेस का और ये हो गया एक्स एक्सेस का स्ट्रेचिंग।